चलो भाई, तो हम लोग आज आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो हम लोगों ने दो तीन चीजों के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा कि सबसे पहले डिस्कवरी मेरी डॉबरनियर ने की थी। डॉबरनियर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ट्रायड बनाया और उनको वो अरेंज करता गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ने क्या किया, म्यूजिकल टोन में रखा, किस तरह की कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट जो होगा उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए। अब लॉथर मेयर कर्व को पहले हम समझेंगे कि लॉथर मेयर ने क्या किया था और फिर उसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए लॉथर मेयर कर्व, और आप इसे कह सकते हो मास वर्सेस वॉल्यूम आल्सो, ठीक है। तो हम इसके अंदर मास वर्सेस वॉल्यूम भी बना सकते हैं। अब लॉथर मेयर कर्व ने क्या किया, लॉथर मेयर बोलता है कि भाई आप लोगों ने ना ट्रायड रूल भी बना के देख लिए। ट्रायड मतलब आप लोग हॉरिजॉन्टल मूव, आपने वर्टिकली तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना के देख लिया, ये डॉबरनियर ने किया था। फिर आपने हॉरिजॉन्टली बना के देख लिया, किसने, न्यूलैंड्स ने, ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल ने कैसे काम किया था, हॉरिजॉन्टली रोज बनाई थी कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो अब मैं बोलता हूँ कि आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो जो मेरे पास लॉथर मेयर भाई साहब थे, इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाया था ये ग्राफ। ब्लैक से बना देता हूँ आपको ताकि इजिली विजिबल होगा, ठीक है। और एक फिर उन्होंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बोला ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरी कौन सी है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे उन्होंने मास मास को रखा और यहाँ पर उन्होंने रखा वॉल्यूम को। उन्होंने बोला कि भाई उस टाइम पे जितने, उन्होंने एक टेबल ली, टेबल पे सारे एलिमेंट्स रख दिए जो कि उस टाइम पर कहते प्रेजेंट थे, उन सारे एलिमेंट्स को रखा। अब वो एक एक एलिमेंट को लेते गए, उनका मास उन्होंने कैलकुलेट किया। मास कैलकुलेट करने के, अगर आपको एटम का मास कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। हबी के टाइम पर पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर अवेलेबल नहीं था, तो आप रेंडमली या फिर किसी और तरीके से आप मास को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, और वैसे उनका वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया। जब उन्होंने इन सबको अरेंज किया तो ग्राफ का कुछ पैटर्न मेरे पास इस तरह से बना। मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है, इस तरह से बनते और फिर ये आगे आगे बढ़ता जा रहा। फिर उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर जो मैंने ग्राफ तो बना दिया, बट अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, ये तो मेरे पास कुछ हार्ट बीट जैसे हो गया जो मेरी ईसीजी के अंदर आती है, ठीक है ना, इस तरह से कोई हार्ट बीट जैसा ग्राफ आ रहा था। बोलता भाई अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसका ड्रॉबैक भी, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यही था कि ये रीडेबल नहीं था, मतलब आप इतने आसानी से उसे याद नहीं कर सकते थे। जो अब उसे कंक्लूजन देख के पता चला, तो कंक्लूजन में क्या पता चला कि जो ये पीक पॉइंट्स हैं इस ग्राफ के अंदर, जो ये पीक पॉइंट्स है ना, ये वाला पीक पॉइंट और ये पॉइंट, इन सारे पीक पॉइंट्स के ऊपर, पीक पॉइंट के ऊपर मेरे अल्कली मेटल्स मिल रहे थे। कौन से मेटल मिल रहे थे, अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल होते कौन से हैं, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहली जो रो है, लिथियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट मिल रहे थे यहाँ पर पीक पॉइंट पे। लिथियम मिल गया आपको, सोडियम मिल गया, ठीक है, पोटेशियम मिल गया, रूबिडियम मिल गया, इस तरह से मेरे पास अल्कली मेटल्स मिल रहे थे मेरे को कहाँ पर, पीक पॉइंट पर। इस ग्राफ में दो जगह और है, एक तो एसेंडिंग है, मतलब जहां पर ग्राफ की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और दूसरी है आपके पास डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पे क्या हो रहा है, जब ग्राफ की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है,
ठीक है, तो जो डिसेंडिंग पोजीशंस थी, ठीक है ना, किसके अंदर, डिसेंडिंग पोजीशंस पे, डिसेंडिंग पोजीशंस पे उन लोगों को मिला अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स। अल्कली अर्थ मेटल्स कौन से हैं, जो आपके पीरियडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड रो है, उसे हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे यहां पर डिक्रीजिंग वाले पार्ट पर। जैसे यहां पर मेरा बीई मिल गया, तो अगले वाले पर मुझे मिल रहा है मैग्नीशियम, उससे अगले वाले पे डिक्रीजिंग पे मुझे मिल रहा है कैल्शियम, और उससे आगे वाले डिक्रीजिंग में मुझे मिल रहा है स्ट्रॉन्शियम। इस तरह से जहां पर वैल्यू कम हो रही थी वहां पर मुझे क्या मिल रहे थे, अल्कली अर्थ मेटल्स मिल रहे थे, ठीक है। अब वो बात जब ये वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब जहां पर वैल्यू कैसी थी, असेंडिंग थी, वैल्यूज इंक्रीज कर रही थी, जब वैल्यू बढ़ रही थी तो वहां उनको मिले थे हेलोजन। क्या मिले थे आपके पास, हेलोजन्स मिले थे। हेलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स इनको यहाँ मिल रहे थे। मतलब जैसे यहाँ पर मिला उनको फ्लोरीन, फिर यहाँ मिला उनको क्लोरीन, या मिला उनको ब्रोमीन, इस तरह से जब वैल्यू बढ़ रही थी तो उनको वहां मिले थे हेलोजन्स, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर हम आगे भी पढ़ेंगे कि अल्कली अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल के मैंने आपको बता दिया, जो आपके पीरियोडिक टेबल है कुछ वो इस प्रकार से, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फिर बीच में कुछ ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पर है, ये सब। तो फर्स्ट रो जो होती है, सबसे पहली रो, उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। जो सेकंड रो है उसे हम लोग कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये मेरे को अर्थ के अंदर कंपाउंड के फॉर्म्स में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर, इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो एक ऐसे रो आगे बढ़ी, उस रो से पहले वाली जो लाइन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। इनको क्या बोलते हैं, हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पीरियोडिक जो उन्होंने लोथर मेयर ने कर्व बताया, पहली दिक्कत क्या थी, इस ग्राफ को याद करेगा कौन, खुद ही सोचो। अगर मैं आपको ऐसा एक ईसीजी उठा के दे दूं और बोलूं भाई कल याद करके आना, मैं आपसे सुनूंगा, आप कहोगे अच्छा अजीब इंसान है पागल, खुद तो याद कर लिया होगा, किसी तरह हम कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। तो वही दिक्कत है यहाँ पर, ये इजिली रिमेम्बरेबल नहीं था, याद नहीं होता था। और उस टाइम पर क्या था कि आपके पास इन सब का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पर भी उनसे थोड़ी बहुत गलतियां या फिर एरर हो जाते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप इस ग्राफ को बना लो, इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं कंक्लूजन ऑफ द कर्व, कि ये जो कर्व बनाया इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन कुछ नहीं है, जो मैंने ये तीन पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इसी पॉइंट्स को अब हम थोड़ा ब्रीफ में लिखने वाले हैं, और कुछ नहीं। हाँ सर एक डाउट था बोलो यश। सर, अल्कलाई मेटल क्या होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी कोई? ये वो होते हैं जो बेस का फॉर्मेशन करते हैं, अगर आप इसके हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स बनाओगे तो वो बेस बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। इनके ऑक्साइड्स मतलब आप ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन करवाओगे, या हाइड्रोक्साइड्स OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाओगे। जैसे NaOH, देखा है आपने, NaOH क्या होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है? ठीक है NaOH क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि वो सोडियम, बेस ठीक है। तो एल्केली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ जो भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो बेसिक नेचर शो करते हैं, फिर बेस को हम लोग बोलते थे एल्केली मेटल्स। हैं ये कि जब भी हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो बेसिक नेचर शो करेगा, इसलिए हम इन्हें एल्केली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे आप कंक्लूजन लिखो, इसमें और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, अभी आया। ठीक है, मैं करा देता हूँ एक बार लास्ट में, ठीक है। अब एक बार लिख ले इस कर को, पॉइंट्स को। कंक्लूजन, ऑफ द
कंक्लूजन ऑफ द कर्व क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल पीक पॉइंट्स और पीक पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय एल्कली मेटल्स. सेकेंड पॉइंट, ऑल असेंडिंग पोजिशन आर ऑक्यूपाइड बाय हेलोजेंस. और थर्ड पॉइंट, ऑल डिसेंडिंग पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय एल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स. अब इसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों ये फेल हुआ, तो वो लिखेंगे हम लोग. ड्रॉबैक फर्स्ट पॉइंट है, इम्पॉसिबल टू प्लॉट ग्राफ ऑफ पॉइंट वैल्यूज एग्जैक्टली, क्योंकि मास है और जो वॉल्यूम है वो पॉइंट की वैल्यूज में आ रहा था, तो एकदम एग्जैक्ट प्लॉट करना गलत है, नहीं कर सकते. ठीक है, दूसरी चीज, अब याद कहाँ कैसे रखेंगे, कौन कहाँ पर था, ये भी एक दिक्कत थी. तो वी कैन नॉट रिमेंबर द पोजिशन ऑफ All elements in graph. ठीक है, सभी एलिमेंट्स की पोजिशन को याद करना बहुत ही ज्यादा कैसा था, डिफिकल्ट था. ठीक है, देखो एक बार मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ वापिस से, और फिर हम आगे वाले पे मूव करते हैं. ये क्या कह रहा है आपको, देखो लोथर मेयर ने क्या किया, वाई एक्सिस पे रखा मास को और एक्स एक्सिस पे रखा वॉल्यूम को. उसने जितने एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे सबको अपने पास कलेक्ट कर लिया, फिर उनका मास निकाला, वॉल्यूम निकाला, और एक एक एलिमेंट को इस ग्राफ पे प्लॉट करने लगा. जब उन्होंने प्लॉट किया तो वो कुछ ग्राफ मुझको इस तरह से दिखाई दिया कि वैल्यूज की बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कुछ इस तरह से मेरे को ग्राफ मिला. उसने एक चीज ऑब्जर्व की, जितने भी ये पीक पॉइंट्स हैं, टॉप वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो मेरे कौन है, अल्कली मेटल्स बैठे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जितने भी डिसेंडिंग वैल्यू है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, इस डिसेंडिंग पोजीशन पे सारे अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब. और जितनी असेंडिंग पोजीशन से जहां पर ग्राफ की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है या ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वहां पर हेलोजेंस है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन. ठीक है, उन्होंने ये सारे कंक्लूजन निकाले ग्राफ को देखकर. ग्राफ में दिक्कत क्या थी, अब इसको याद कौन रखेगा कि एग्जैक्टली मेरा बेरिलियम यहीं पे होगा, क्या पता मैं थोड़ा सा आगे बना दूं या थोड़ा पीछे बना दूं. ठीक है, यहाँ पर बना दिया तो गलत हो गया, थोड़ा पहले लिख दिया तो गलत हो गया, एग्जैक्ट यही पोजीशन होना चाहिए. तो ये इतना इजीली याद करने वाली चीज नहीं थी, इतनी आसानी से याद नहीं होने वाली, इसलिए इसको क्या किया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया. अब इसके बाद हाँ बोलो प्रिंस. ठीक है, अब अल्कली मेटल्स जो थे आपके पास, मैंने बता दिया अल्कली मेटल्स क्या होते हैं,
जब भी आप उनका ऑक्साइड्स का या हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करोगे वो हमेशा बेसिक नेचर शो करते हैं, बेस होते हैं, इसलिए उनको एल्कली बोला जाता है। ठीक है, ये एल्कली अर्थ मेटल्स इनको इसलिए बोला गया क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जब भी मिलते हैं तो अगर ये जितने ऑक्साइड्स मिलते हैं ये मेरे को अर्थ के अंदर मिल जाते हैं और सारे बेसिक नेचर शो कर रहे होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मेरे को मिल जाते हैं, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल्स बोला गया। ठीक है, अर्थ के अंदर से नहीं, अर्थ के सरफेस से आपको जब भी निकालोगे आप बेरिलियम को, मैग्नीशियम को, तो वो हमेशा ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे और वो बेसिक नेचर शो करते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनको कि अल्कली अर्थ मेटल्स हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज अब आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने आता कि ये सब चीजें देख ली। अब सबसे मेन इंसान आया मेरा, ठीक है ना, मेंडलीव। मेंडलीव ने के अंदर बहुत अच्छाइयां थी, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए मेंडलीव ने अपने टाइम पर, बट फेल तो वो भी हो गया था, बट उसने काफी हद तक एक सही आइडिया दे दिया था पीरियोडिक टेबल का, बस उससे एक दो गलतियां हो गई, उन्हीं गलतियों की वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। आप लिखो, हेडिंग डालो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया ना, मेंडलीव बहुत छाना था, मेंडलीव ने क्या किया, इस तरह से अरेंजमेंट किया। पहले आप समझना कि मेंडलीव ने क्या क्या किया, पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद बातें करेंगे। मेंडलीव ने बोला आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं ना डिस्कवर्ड, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रख दो, सबका एटॉमिक मास निकाल, आपको पता है, उस ऑर्डर में अरेंज करते जाओ। और ऑर्डर किस तरह होगा आपके पास, उसने 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई इस तरह से, ठीक है ना, 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और 8 वर्टिकल रोज बनाई कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या किया, 12 तो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और 8 वर्टिकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और 8 इस तरह से। और उन्होंने नाम रख दिया क्या, जब भी आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, किसके अंदर, वर्टिकली मूव कर रहे हो, तो उसको बोल दिया उसने ग्रुप। देखो हम जी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये याद करने के लिए सरल तरीका होता है कि जब अब भी हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप। और जब भी आप एक कॉलम के अंदर मूव कर रहे हो या रॉ के अंदर, तो उसे उन्होंने बोल दिया पीरियड। देखो पी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो मतलब ऐसे, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टली कौन सा होते हैं, मेरे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो भाई, जब भी आप ऊपर से नीचे की बात करोगे तो मेरा पूरा एक ग्रुप है, और जब भी आप लेफ्ट टू राइट की बात करोगे या राइट टू लेफ्ट की बात करोगे तो वो आपके पास क्या है, पीरियड्स हैं। तो उसने ग्रुप्स और पीरियड्स का फॉर्मेशन किया, उन्होंने बोला कि भाई 12 तो मेरे वर्टिकल जो होंगी हॉरिजॉन्टल रोज हैं और मेरे 8 क्या है, वर्टिकल कॉलम्स हैं। अब इनके अंदर मैं एलिमेंट्स को क्या करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखना शुरू करूंगा। ऊपर से मेंडलीव ने क्या बोला कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी या तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो या चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, आप दोनों में से जो भी प्रॉपर्टी की बात करोगे वो हमेशा डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे। बस यही जो एक स्टेटमेंट मेंडलीव ने दी थी वो यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं और फिर आगे एक एक पॉइंट को साथ साथ में समझते हुए जाएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब लिखो, मेंडलीव क्लासिफिकेशन इन हिज पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वेट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ
एलिमेंट्स, बस यही उसने गलत बात कही थी। आपको अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर एक वेट को, कौन से वर्ड को, एटॉमिक वेट, बस ये गलती थी। अगर वो एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर लिख देता तो ये आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है, ठीक है, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं वो एटॉमिक वेट से हमने अरेंज नहीं कर रखा। आपको पता भी पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज है, 1 2 3 4 ऐसे करके, वो हमके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। और जो मेंडलीव का लॉ था, मेंडलीव लॉ क्या कहता था मेरे पास, मेंडलीव लॉ था मेरे पास, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। उन्होंने बोला जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मास पे, बल्कि ये बात गलत थी, ये डिपेंड करती है इनके एटॉमिक नंबर पे, यही इसका डीमेरिट भी था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो हमने अभी रोज की बात की थी, लिखो इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एमपीटी लिख रहा हूं मैं इसे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 12 हॉरिजॉन्टल रोज नेम्ड एज सीरीज, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज, देखो हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड्स, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में पीरियड्स की बात कर रहे हो, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया था, ग्रुप्स आर ड्रॉन। बात समझ में आ गई, देखो जी कैसे लिखते हैं, ऐसे तो ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब जो वर्टिकली जाएंगे उनको तो ग्रुप कहते हैं, पी कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टली रोज थी उनको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया, ठीक है। जब मेंडलीव का टाइम आया था उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, आज के डेट में मुझे पता है हम लोग 118-119 में पहुंच गए जिसमें कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में, बट उस टाइम पे जब मेंडलीव ने ये लॉ लिखा था उस टाइम पे 63 ही एलिमेंट डिस्कवर थे, तो हम ये बात भी लिख देते हैं यहाँ पर, ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम full stop in order of increasing atomic weight। उन्होंने क्या किया, ऐसे increasing order of their atomic weight के अंदर यहां पर भाई सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, जैसे जैसे atomic weight बढ़ रहा था इस तरह से उन्होंने सबको उसके अंदर टेबल के अंदर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया, अब देखो हम वो बात करेंगे मेंडलीव की अच्छाइयाँ क्या थी, मेंडलीव ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, और मेंडलीव की क्या बुराई थी इसकी भी बात मैं आपसे करूंगा, और आपको उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि हम उसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए मेरिट्स, हेडिंग डालो मेरिट क्या हुआ, क्या अच्छी बातें थी मेरे पास मेंडलीव की। सबसे पहली बात, मेंडलीव ने क्या किया ना, मेंडलीव ने जब ये टेबल बनाई तो मेंडलीव ने चार जगह खाली छोड़ दी, 1 2 3 4 ऐसे कोई चार जगह थी उसने खाली छोड़ दी, और मेंडलीव ने बोला भाई एक टाइम आएगा भविष्य में जाके
फ्यूचर में जाके जब चार एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो इस जगह पर रखे जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, एक टाइम आया जब मेरी डिस्कवरी हुई तब वो एलिमेंट्स यहीं पे प्रॉपर जगह जैसा मेरे मेंडलीव ने बताया था वहीं पे ही फिल हुए वो आके, ठीक है। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ठीक है ना। अब देखो, अब याद कैसे रखेंगे? जी ए से गंगा, से जमुना, जमुना टी सी से तक। तो गंगा से जमुना तक वाले जो ये चार एलिमेंट थे, जी ए से गंगा, एस सी से जी ई से जमुना, टी सी से तक, गंगा से जमुना तक, ये चार एलिमेंट ऐसे थे जिसके लिए मेरे मेंडलीव ने क्या किया था, स्पेस छोड़ा था। तो हम ऊपर लिखते हैं इसके बारे में, ही लेफ्ट द स्पेसेस फॉर फॉर अननोन एलिमेंट्स एंड लेटर ऑन देवर डिस्कवर्ड एंड वर फिट फॉर द स्पेस लेफ्ट फॉर देम। उनके लिए जो जगह छोड़ी थी वो वहां पर आके एकदम फिट हो गए थे। मेंडलीव ने जब यहाँ पर जितने 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे ना, इन 63 एलिमेंट्स को जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रख रहा था, तो उसने कुछ एलिमेंट्स के क्या किया, एटॉमिक मास भी ठीक किया। मतलब उसे पहले जो साइंटिस्ट था उन्होंने कुछ कैलकुलेशन गलती हो गई होगी उनसे, तो उन्होंने मास गलत लिखा था। तो मेंडलीव ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स का मास ठीक किया। वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? यूरेनियम, बेरिलियम और इंडियम, ठीक है ना। अब याद कैसे रखेंगे इसको, हम याद रखते हैं यू बी ई से बेईमान, बेईमान आई एन से इंसान, ठीक है। यू बेईमान इंसान का उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को करेक्ट किया था, ठीक है। इन सब चीजों से आपको याद होगा, नहीं तो पता आपको कभी याद ही नहीं हो पाएंगे, इतने सारे एलिमेंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ऊपर आप लिख लेना, ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है ना। और वो तीन एलिमेंट्स कौन से थे? यू बेईमान इंसान वाले थ्री एलिमेंट्स वो थे, ठीक है। अब मेरे मेंडलीव की ये तो हमने अच्छाइयों की बात की, पहली चीज उन्होंने खाली जगह छोड़ी, और दूसरी चीज उन्होंने किसी किसके एटॉमिक मास को क्या किया, करेक्ट किया। तो ये सब चीजें तो हमने उनकी अच्छाई को पढ़ लिया, अब उनमें क्या बुराई थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ यश पूछो। सर इससे पहले वाली स्लाइड एक बार ऊपर से बता दोगे, मेरा नेट बहुत स्लो आ रहा था। देखो उन्होंने क्या किया था ना, जो पीरियोडिक टेबल ये बनाई थी उन्होंने, अपनी खुद की जो टेबल बनाई थी उसमें चार जगह खाली छोड़ दी थी। उन्होंने बोला था भविष्य काल में एक ऐसा टाइम आएगा, फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये चार एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इन्हीं पोजीशंस पे रखे जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, चार एलिमेंट लेटर डिस्कवरी हुई उनकी और वो इस पोजीशन में एकदम फिट आ रहे थे, परफेक्टली फिट आ रहे थे, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो एलिमेंट्स मेरे ये थे। अब देखो क्या हुआ, दिक्कत क्या थी मेरे पास, मेंडलीव ने बोला कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में रखोगे, ये मेरा मेंडलीव का लॉ था। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना, मेरे को बताएगी हितेशी, बताएगी हितेशी, आप मुझे बताओ वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग होता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग?
एटॉमिक मास क्या होता है, एक और बार मतलब एटॉमिक मास जो होता है उनका सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर उनका अलग अलग होता है। आइसोबार्स, क्या था, आइसोबार्स, आइसोबार्स ही कहते हैं उनको, ठीक है। तो आइसोबार्स ऐसी चीजें होती हैं जिनका एटॉमिक मास तो क्या होता है, सेम होता है। अब देखो, अब उनका क्या, मेरा मेंडलीव तो बोल के मर गया कि भाई आप क्या कर देना, आप उनको अरेंज कर देना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अंदर। बट अब उनका क्या, जिनका मास सेम है उनका क्या करना है, तो वही मेरे पास आ गए कहां पर, डीमेरिट्स के अंदर। अब डीमेरिट्स लिख के हेडिंग लिखिए आप, डीमेरिट्स। ये डीमेरिट्स है मेरे पास। फर्स्ट थिंग जो डीमेरिट है हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, लिखिए दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो मैंने आपको आइसोबार्स में एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम भी 19 और कैल्शियम मेरा 20, बट तीनों का मास कैसे है, 40 40 40, तीनों का मास सेम है। तो बताओ वो बॉक्स जिसके अंदर मुझे 40 वाला मास वाला रखना था, जो कि यहाँ पर होगा, समझ लो ये वाला वो बॉक्स है जिसमें मुझे 40 मास वाला एलिमेंट रखना था। तो अब मैं यहाँ पर क्या रखूं, आर्गन को रखूं या मैं पोटेशियम को रखूं या कैल्शियम को रखूं? अगर मैंने पोटेशियम को रख दिया तो आर्गन और कैल्शियम मेरे बेघर हो गए, इनके लिए तो रखने के लिए कोई जगह ही नहीं हुई, ठीक है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो उस टाइम की डिस्कवरी के हिसाब से उनको कोई रूम ही नहीं मिला, कोई जगह ही नहीं मिली रखने के लिए। तो आप वो लिखिए कौन कौन से हैं, आर्गन, पोटेशियम, फ्लोरियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, फास्फोरस, कॉपर और निकल। अब आपको ये याद तो होंगे नहीं, अब याद करने का तरीका मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ, ए आर से आमिर, के से खान, तेरी, इच्छा, ठंडा, पेप्सी, क्यू, नहीं पहले आमिर खान ऐड करता था, ठीक है, कोका कोला पेप्सी इन सब की। तो आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा, पेप्सी, क्यों नहीं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनका पोजीशन को मेरा मेंडलीव नहीं बता पाया था। और मैं आपको आइसोबार्स वाला पॉइंट भी लिखवा देता हूँ फटाफट, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम इससे आगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लिखो दिस पीरियोडिक टेबल was unable to explain the position of isobars because they have same atomic mass but different atomic number, ठीक है, isobars की या फिर आप कह सकते हो isotopes की वो position को explain नहीं कर पाया था, ठीक है।